तो अभी अभी मैं भेड़िया फिल्म को देख के आ रहा हूँ। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था ना, तो इस फिल्म के ना VFX और 3D को लेकर ना काफी जोर शोर से चर्चा होने लगी। तो चलो फिर सबसे पहले हम लोग VFX 3D देन स्टोरी पे बात करेंगे, उसके बाद स्टारलॉर्ड की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर तुमने लास्ट तक देखना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जरूर कर लेना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे ही ये भेड़िया फिल्म को भी लास्ट तक तुम लोग जरूर देखना, क्योंकि इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बवाल है। इसलिए ये फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखे बिना मत जाना, पूरा थिएटर खाली हो जाए लेकिन तुम बैठे रहना, क्योंकि असली माल ना पोस्ट क्रेडिट सीन में ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके 3D वाले सीन को लेकर। ये फिल्म सच में 3D वाली जेन्युइन फिल्म है या फिर जस्ट 3D का नाम देकर हवा पानी बनाया गया है? इस फिल्म में ना दो तीन ही ऐसे सीन है जिसे देखने के बाद ना तुम बोलोगे वाह कि नहीं यार ये 3D वाला सीन है। जैसे वहां जब वरुण धवन भेड़िया बन के एक लोग पे अटैक करता है, ऐसा लगता है कि वो तुम पे अटैक कर रहा है। इसके साथ लास्ट का क्लाइमेक्स वाला सीन, जो पत्ते उत्ते उड़ रहे होते हैं वो थोड़ा सा फील देते हैं। इसके साथ साथ स्टार्टिंग में जैसे वो पेड़ वेड़ काटे जाते हैं वो थोड़ा देर के लिए फील देते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी इस फिल्म में ऐसा सीन नहीं है जो तुम्हें ना 3D वाला फील दे। बात करते हैं VFX को लेके, क्योंकि इसके चर्चे भी काफी ज्यादा हुए थे जब ये ट्रेलर आया था। तो सच में ये फिल्म का VFX बहुत अच्छा है। जब भी वरुण धवन भेड़िया में कन्वर्ट होता है, उस जगह जिस तरीके से VFX CGI का यूज किया गया, भाई दिल जीत लेता है यार। जिस तरीके से वरुण धवन के हाथ लंबे होने लगते हैं, मसल्स बढ़ने लगते हैं, साथ उसके बॉडी पे ना बाल आने लगते हैं, ये चीजें देख के भाई फील आ जाते हैं। इसके साथ से एक और सीन है जहां आग को ने एक भेड़िया का आकार दिया गया है, वो सीन भी मेरे को काफी ज्यादा सही लगा है। बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी। स्टोरी बहुत सिंपल है और बहुत प्रिडिक्टेबल है यार। मतलब इस टाइप से चीजें ना हम सब बहुत सारे फिल्मों में देख रखे हैं, बट यहाँ डायरेक्टर की दाग देनी पड़ेगी कि डायरेक्टर ने एक सिंपल स्टोरी को बहुत कोशिश किया है कि एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट करने का, और कुछ हद तक कामयाब भी होते हैं, बट कुछ हद तक ये फिल्म ना बोर भी करने लगती है, खासकर वो सेकेंड हाफ में। वरुण धवन और जो कृति सेनन के बीच के जो लव स्टोरी वाला जो सीन है, ये चीजें ना मेरे को बहुत ही वाहियात लगा है। अरे आपके फिल्म का डिमांड क्या है उस पर आप लोग फोकस करो ना, बस ये लोग ने एक गाने डालने के चक्कर में ना सीन क्रिएट करते हैं, प्यार मोहब्बत डालते हैं, उसके बाद ये चीजें ना थोड़ा लंबा हो जाता है। सो ये चीजें ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हम लोग को जितना प्यार मोहब्बत देखना था हम लोग देख चुके हैं, अब प्यार मोहब्बत नहीं देखना है, अब कंटेंट देखना है। तो अगर स्टोरी की बात कर ले, स्टोरी वरुण धवन को फोकस करती है। बेसिकली वरुण धवन एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप से इंसान होता है, ये बंदा ना रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और ये अरुणाचल में जाता है, और वहां वरुण धवन लोगों को कन्विंस करता है कि हम लोग आपके जंगल को काटेंगे और इस जगह रोड बनाएंगे ताकि आपका जो जगह है वो डेवलप करे। ये चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती और एक भेड़िया को भी पसंद नहीं आती है, तो भेड़िया इनको काट लेता है, उसके बाद वरुण धवन भेड़िया बन जाता है, उसके बाद क्या क्या चीजें होती है ये सब चीजें जानने के लिए तुम्हें इस फिल्म को देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टारलॉर्ड की परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वरुण धवन की। वरुण धवन का काम अच्छा लगा है ये फिल्म में ना, तुम्हें जुड़वा 2 कूली नंबर 1 टाइप से वो वरुण धवन तुम्हें देखने को नहीं मिला। इन सब फिल्मों में जिस तरीके से वरुण धवन ने एक्टिंग किया हुआ था ना, ये फिल्म में ना उससे फार बेटर एक्टिंग किया हुआ। कृति सेनन की बात करें, कृति सेनन का भी काम अच्छा है, बट हाँ एक एक्टर तुम्हें सबसे ज्यादा इंप्रेस करेगा वो है अभिषेक बैनर्जी। उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि जहां भी फिल्म थोड़ी स्लो हो रही थी उस जगह पर जैसे ही अभिषेक बैनर्जी और एक अरुणाचल प्रदेश के एक एक्टर को लिया गया, ये लोग आके संभाल ले रहे थे, क्योंकि ये लोग ह्यूमर डाल रहे थे और क्या ही बेहतरीन तरीके से भाई कॉमेडी वाले एंगल को इसमें प्रेजेंट किया गया। लास्टली मैं तुमसे यही चीज बोलना चाहता हूँ, वरुण धवन के फैन हो तो तुम इस फिल्म को जाकर देख सकते हो, बट हाँ दिमाग को थोड़ा ना बाहर रख के देखने जाना इस फिल्म को, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा सीन है ना जहां तुम दिमाग लगाओगे तो फिर तुम्हारा दिमाग कमाबेन हो जाएगा। जैसे एक सीन है मैं तुम लोग को बता देता हूँ, वरुण धवन ना भेड़िया में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होकर ना खिड़की तोड़ के बाहर निकलता है, उस जगह पर वो चड्डी नहीं पहना हुआ होता। उसके बाद जब भी वो अपने दोस्तों के पास आता है तो चड्डी पहना हुआ होता है। ऐसे ऐसे चीजें ना तुम्हें इस फिल्म में बहुत बार देखने को मिल जाएगी, और खासकर ये चड्डी वाला सीन तुम्हें बहुत बार देखने को मिल जाएगा। बाकी ये फिल्म चलेबुल फिल्म है, वन टाइम वॉच वाला फिल्म है। इसके अलावा अगर तुम लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना कि तुम्हारे इस पे क्या कहना है। और चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।